हेलो दोस्तों दोस्तों क्या आप कर्मा में बिलीव करते हो? मुझे अभी जस्ट नीचे अभी के अभी कमेंट करके बताओ। शायद ये पहली बार ऐसा होगा कि वीडियो के 10 सेकंड्स में आप मेरा कोई आंसर दे रहे हो। बड़ा हरामी हो। क्योंकि मैं कर्मा में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा मानना यह है कि मेरे कुछ भी लाइफ में अगर मैंने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे डीड्स किए हैं, तो वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर मेरे पास वापस आ रहे हैं। किस में? इस ट्रैवल के रूप में। क्योंकि मैं पता नहीं कैसे इंडिया में इतनी खूबसूरत जगहों तक पहुँच चुका हूँ। मतलब शायद आज से 2 साल पहले तक कहते हैं ना, जहन में भी नहीं था कि मैं कभी मणिपुर जाऊंगा, नागालैंड जाऊंगा, लोकतक लेक जाऊंगा। मैं अभी लोकतक लेक में हूँ मणिपुर में, जो कि शायद मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता हूँ कितनी सुंदर है। मेरी डल लेक बहुत 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 फेवरेट जगह है। इंडिया में मेरी सबसे फेवरेट जगह है बनारस, और उसके बाद है लद्दाख, फिर है डल लेक, श्रीनगर। कश्मीर में से सबसे सुंदर मुझे डल लेक ही लगता है। वहाँ मुझे लगता है मैं एक साल बिता सकता हूँ, एक लाइफ टाइम बिता सकता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही मुझे नहीं लगता था कि काफ़ी लॉन्ग रन तक मेरे को कोई ऐसी जगह पसंद आने वाली है। अभी मैं जहाँ पे आया हूँ ना, रियल सुकून है यहाँ पे। देखो एक बार, ये हमारा स्टे है। अब सोचो आप सुबह उठ रहे हो और यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, कहीं जाने को कुछ नहीं, टेंशन है, कोई हॉर्न नहीं है, कोई लोग नहीं है, कुछ नहीं है भाई। सिर्फ नेचुरल ब्यूटी है। ऐसा लग रहा है हमें किसी ने यहाँ पे आके छोड़ दिया है। फंस गया हूँ कि अब ढूंढो चीज़ें, जाओ वापस। अब मैं आपको अंदर से एक बार ही दिखाता हूँ हम कहाँ रुके थे। टेंटेन है दोस्तों, इतना खूबसूरत है यार ये। बड़े ग्रुप के लिए क्या मस्त जगह है ना। देखो देखो देखो, मैं ना आपको टूर देता हूँ यहाँ का, ठीक है। ये यहाँ का एक प्यारा सा हट है जहाँ पे हम रुके हैं, और यहाँ पे ऐसे चलना पड़ता है, ठीक है। ऐसे मस्त चलो चलो चलो, ठीक है। ऐसे चलते चलते आपको रास्ते में गलती से कोई मिल जाए, जैसे कि ऐसे, तो उसको हाय बोलो, हेलो नमस्ते, हाउ आर यू, ऑल गुड। ऐसे दोस्तों दोस्त बना लो लाइफ में। स्पर्श है अपना, मेरे साथ ही है। अच्छी जगह वैसे ही बताइयो, फीडबैक है ना। तुझे लगता है आइलैंड में आके छोड़ दिया? हाँ, ओ भाई, हेवन ऑन अर्थ बोला इसने। अंदर है कोई? ओ मोगली इज इनसाइड। पता नहीं यार लाइट आ रही है नहीं। अभी रूबेन कहता ऐसा लग रहा है किसी ने आइलैंड पे आके पटक दिया अपने को। बात तो सही है वैसे, है ना दोस्तों। ये हमारे 2 कॉटेजेस हैं, रूम्स हैं, जो भी बोलो, हट्स हैं। यहाँ हम रुके थे, हमारे टेंट वेंट है, और यहाँ पे सोलर पावर से लाइट आती है। और अगर आपको फ़ोन वोन चार्ज वार्ज करना है तो नहीं हो पाएगा अगर बारिश आ रही है। तो हमारी किस्मत ख़राब है, पूरा दिन बारिश चल रही है आज, और हम फ़ोन वोन कुछ चार्ज नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ और जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ से ऐसे चल के जाओगे तो सामने बाथरूम है। जैसे ये वॉशरूम है, इसका भी आपको टूर दे दूँ। मस्त है, वहाँ पे भी है, पूरा लेक है, बहुत अच्छा है। हमने सोचा था हम लेक को थोड़ा घूमेंगे, गिटार बजाएंगे, बट ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू वेदर, है ना। ड्यू टू वेदर, हैवी लॉस ड्यू टू रेन हो गया दोस्तों। हैवी लॉस ड्यू टू रेन। जिसने मेरी पुरानी कोई वीडियो देखी है उसको पता है ये क्या है, तो वो मस्त मेरे साथ हंस चुके होंगे ऑलरेडी। आपको एक मैं मस्त जगह दिखाता हूँ, ठीक है। हमने जहाँ पे बहुत फैंसी ब्रेकफास्ट किया, सच में फैंसी भाई, फैंसी, बहुत तगड़ा फैंसी, दिखाता हूँ। ब्रदर गेस्ट आए हैं। हेलो, हे यू, व्हाट्स अप दोस्तों। आप देखिए हमारा फैंसी ब्रेकफास्ट का स्पॉट बहुत सुंदर है भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर कोई आया है उसको पता है क्या फन जगह है। जो नहीं आया आप वीडियो में मेरे साथ घूम लो। उन्नू अब आपको दिखाता हूँ फैंसी ब्रेकफास्ट बना कहाँ पे था, ठीक है। और यहाँ की बेस्ट चीज़ क्या है, जो हमें यहाँ पे खाना बना के दे रहे हैं ना, उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तो हम दमशराज खेल रहे हैं आपस में। सुबह से दमशराज चल रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं हो क्या मैं दो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा। आलू काट रहा है,
आलू का मेल है। आलू 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 का मेल। हाँ हाँ सही है दोस्तों, ये प्यारी सी किचन है, ये प्यारे से लोग जो हमें खाना बना के दे रहे हैं, बहुत क्यूट हैं बताएं, सच में यहीं सोते हैं, यहीं पर रहते हैं। नो लाइट, नो चार्जिंग, नो चार्जिंग, इट्स वर्किंग। वह दोस्तों यही था प्यारा सा क्यूट सा ये लोकतक लेक का स्टे, और मैं लोकतक लेक तो नहीं अंदर से ऐसे घूम के दिखा पाऊंगा, वैसे समझ लो कितना अच्छा। सोचो एक क्यूट सी बोट आती है आपको यहाँ पे लेने छोड़ने। तो बस दोस्तों यही था प्यारा सा क्यूट सा छोटू सा व्लॉग, 4-5 मिनट का जितना भी है। तो अगर आपको लगता है कि आप भी मेरी तरह ऐसे ट्रैवल करना चाहते हो तो आ जाओ हमारे साथ और घूम लो मस्त से ले। और ओ यार मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी तो भूल ही गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरा यहाँ पे पहुँचने का एक बहुत बड़ा रीज़न है चार भाई, ठीक है। अब वो मेरे को मिले यूट्यूब से। भाई लाइफ कितनी बढ़िया है। देखो मैं अभी गया था जुकू वैली, वहाँ पे जो मेरे साथ बैठ के लोग गाने गा रहे थे, जिन्होंने मेरी इतनी सुंदर सुंदर वीडियोज़ भी बनाई क्योंकि मैं तो गा रहा था, वो लोग वहाँ से आए लोक ताक लेक, ठीक है। अब उन्हें मेरे YouTube के बारे में नहीं पता था, जब उन्होंने आके यहाँ पे मेरा YouTube देखा तो उनका माइंड फक हो गया। इसलिए हो गया क्योंकि वो रौनक की वीडियो देख के यहाँ तक पहुँचे। सोच सकते हो आप, उन्होंने रौनक की नागालैंड वाली वीडियो देखी, उसकी वजह से वो जुकू वैली आए, जुकू वैली से वो यहाँ आए। यहाँ आके उन्होंने मेरे को कॉल किया कि भाई आप यहाँ आ जाओ, ठीक है। मैंने कहा चलो चलते हैं, और हमें यहाँ आना ही था ऑलरेडी, लेकिन उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी, बहुत जेन्युइनली मेरे को बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। थैंक यू चारों भाइयों, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे कि आप मेरे साथ बैठ के आपने गाने गाए, सुना मुझे। देखो दोस्तों ट्रैवल करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जैसे हो तो आपको वैसे लोग मिल जाते हैं, जैसा मैं हूँ मुझे वैसे लोग मिले। हमने साथ में बैठ के खाना खाया, साथ में बैठ के गाने गाए, साथ में बैठ के बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी मेमोरीज बनाई, और ये शायद हम लाइफ टाइम तक हम वो रात नहीं भूलने वाले, एक ही जगह पे बैठ के खाने वाले। चारों के नाम याद करने मुश्किल थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो मेरी फैमिली जैसी हैं, और मैंने उनसे प्रॉमिस किया मैं जब भी कोलकाता आऊँगा आपसे मिलूंगा, पक्का मिलूंगा। तो यही दोस्तों ट्रैवल की बेस्ट चीज़ है, यही बिन्नक्ष कदम भी है। बिन्नक्ष कदम का जो पर्पस है वो यही है कि मोमेंट में रहो, कुछ भी प्लान व्लान ये सब पे मत फोकस करो, जहाँ हो वहाँ के मजे लो। मैं भी यही मानता हूँ, रौनक भी हमेशा यही बात बोलता है, रूबन भी हमेशा यही बात बोलता है, जो मेरे साथ लोग घूमते हैं जो मेरे दोस्त हैं उनको पता है इस चीज़ का क्या पॉइंट है लोटस। तो बस दोस्तों अगर आपको ये प्यारा सब लोग अच्छा लगा है तो एक सुंदर सुंदर सा कमेंट कर दो, अपने कोई ऐसी स्टोरी शेयर कर सकते हो जो कि आपको लगता है कि आपके अच्छे कर्मा की वजह से आप तक हुई थी, या बुरे कर्म वाली भी, तो अगर आपको कुछ लगता है शेयर करना पीछे कमेंट में शेयर कर दो, मैं मस्त रिप्लाई करता ही हूँ आपको पता है। और बस कुछ नहीं है, अगर कोई बात बात करनी है, मतलब फालतू बात नहीं, जेन्युइन कुछ काम है, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे सीधा काम लिख दो, हेलो हेलो लिख के वेट मत करो, कुछ भी बात है लिख दो, मैं रिप्लाई दे दूंगा, और बस यही है। और हाँ इंस्टाग्राम पे हमें जल्दी से 10K की फैमिली करनी है, अभी 10,000 होने वाले हैं, पता नहीं कितने रह गए, हो जाएंगे। आप सब प्यार बरसाओ, लोगों से शेयर करवाओ, और 30K पे मैं गिव अवे कर रहा हूँ, मज़ा आने वाला है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे। डू सब्सक्राइब, मेक श्योर आप सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसे व्लॉग्स में और बनाऊँ, ऐसी जगहें घुमाऊँ, ऐसी बातें आपको सुनाऊँ, और आप अपने घर वालों को भी मेरा चैनल दिखा सकते हो, उनसे सब्सक्राइब करवा सकते हो। अगर आप जेन्युइनली आपको लगता है कि मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि आप मेरे वीडियोज़ पर कॉमेंट किया करो, अपने दोस्तों को बताया करो कि ये यूट्यूबर है, मैं इसको देखता हूँ। अब जैसे हम कोई अच्छा मूवी का रिव्यू देते हैं या बुरा मूवी का रिव्यू देते हैं ना, तो सेम आपको भी करना चाहिए। अगर आप जेन्युइनली, मेरी बात नहीं है, किसी भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट आपको अच्छा लगता है, कोई भी यूट्यूबर आपको अच्छा लगता है, आपको उसको शेयर करना चाहिए। जैसे मेरे कुछ बहुत फेवरेट यूट्यूबर्स हैं, जैसे तानिया खनीज है, लारिसा है, पारितोष है, ये सब मेरे को बड़े अच्छे अच्छे लोग लगते हैं। मेरे को मन करता है कि हाँ मैं इनसे इनके साथ कभी मिलकर व्लॉग्स बनाऊँ। रौनक है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, मेरे लिए भी, तो आपको ये सब शेयर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो @booklesspower। ओके बाय। अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारों बीच हम अमीर हैं।